बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आईकेएम के नतायज माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छे रहे हैं। ये अल्लाह का करम है और हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली कुद्दुस रूहुल अज़ीज़ का फैज़ ख़ास है कि वक्त के गुज़रने के साथ साथ आईकेएम के निज़ाम में और नतायज में भी बेहतरी आ रही है। कोरोना की वजह से इस मरतबा नस्बतन कम डॉक्टर्स आ सके, लेकिन जो डॉक्टर साहबान आए और वो सेहतमंद रहे, उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से काम किया कि इस कमी को अपनी मेहनत से पूरा कर दिया। मुंतजमीन की हमेशा ये कोशिश रहती है कि इस पूरे निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। इस मिशन को पूरा करने के लिए इंतज़ामिया मुतअद्दद इक़दाम करती रहती है। सबसे पहले टीम वर्क यानी बाहमी तआवुन को फ़रोग़ दिया जाता है। आपको ये टीम वर्क इंतज़ामिया और डॉक्टर साहबान के दरमियान में भी नज़र आएगा, और फिर दर्जा ब दर्जा इंतज़ामिया, डॉक्टर साहबान, पैरामेडिकल स्टाफ, रजाकारान और दीगर कारकुनान के माबेन भी टीम वर्क आपको नजर आएगा। इंतज़ामिया और डॉक्टर साहबान के दरमियान मशावरत का सिलसिला एक मुस्तकिल अमल है। इसी अमल के नतीजा में ऑपरेशन से मुतल्लिक सहूलियात, आलात और मशीनों को बेहतर से बेहतर बनाने के सिलसिले में इकदाम किए जाते रहते हैं। मसलन सर्जरी के आलात और मशीनों में अगर कोई नकायस नज़र आते हैं तो उनको फौरी तौर पर दुरुस्त कर दिया जाता है। इस जदीद साइंसी दौर में नई से नई मशीनें और आलात ईजाद हो रहे हैं और पुराने आलात ऑब्सोलीट यानी तकरीबन नकारा हो रहे हैं। इंतज़ामिया की नज़र इस पहलू की तरफ भी रहती है ताकि पूरे सिस्टम को जदीद बनाने के लिए जब हालात इजाज़त दें और वसाइल दस्तयाब हों तो नए आलात और मशीनें खरीदी जा सकें। मसलन हमारे यहाँ आजकल अगरचे पुरानी तर्ज की ऑटोक्लेव मशीन दस्तयाब है, मगर उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं है। चुनांचे इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह आइंदा फ्री कैंप तक एक जदीद तरीन ऑटोक्लेव मशीन खरीदी जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरह अस्पताल की दीगर सहूलियात में भी बेहतरी लाई जा रही है। मसलन अब रजाकारों के लिए प्रॉपर बेड्स हैं और उनको अब ज़मीन पर नहीं सोना पड़ेगा। मरीजों के लिए बैरकों की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इस बार भी एक और बैरक के दरमियानी छत डाल दी गई है जिससे उसकी कैपेसिटी तकरीबन दो चंद यानी डबल हो गई है। मौजूद हाजरीन, मैं आप सब की जानिब से और अपनी जानिब से तमाम डॉक्टर साहबान, पैरामेडिकल स्टाफ और रजाकारों को भी उनकी आला कारकर्दगी और मुखलिस जज्बा खिदमत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको आपकी पुरखलूस खिदमत के सिले में अजर अजीम अता फरमाए। अपनी इस मुख्तसर तकरीर के दूसरे हिस्से में अब मैं पीर मुर्शिद के फरमूदात में से चीदा चीदा मकालात हिकमत आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये मकालात साहबजादी अनीस अख्तर सल्लल्लाहु बिनते हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुद्दुस रूहुल अज़ीज़ की मुख्तलिफ किताबों में से लिए गए हैं। सरकार ने फरमाया, अदारा किसी का भी ज़ाती घर नहीं होता, लौह बहबूद का मरकज़ होता है। चुने हुए वफादार जान निसार रज़ाकार मरकज़ की आबरू होते हैं और कामयाबी उनका इस्तकबाल किया करती है। आपने फरमाया, ज़िक्र इलाही और मखलूक की खिदमत में शब व रोज़ मसरूफ़ रहे, इससे बेहतर
दुनिया और आफत में कोई काम नहीं। अल्लाह ताला की बेवार मखलूक की बेरोस खिदमत बेहतरीन इबादत है। इबादत अल्लाह की जाती है, खिदमत अल्लाह की मखलूक की। इबादत रायगा जा सकती है मगर खिदमत कभी रायगा नहीं जाती। इबादत के मैार पर कोई पूरा नहीं उतरता और खिदमत अगर से कितनी हकीर हो मकबूल हो जाती है। सरकार के तमाम वकालत ही इल्म व हिकमत का मंबा है, इन पर जितना भी गौर व खौज किया जाए कम है। ये सच्चे मोती हैं और लाजवाब खजाना है। जो मकाला मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ इस पर ख़ास गौर फरमाएं, आपके लिए बेहद तमानियत और सुकून का बायस होगा। सरकार ने फरमाया, हम लोग अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, अल्लाह की राह में सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह के सिवा कोई और मतलब नहीं रखते, ना ही मासवा से कोई दिलचस्पी रखते हैं। हमारा जीना और मरना अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही के हवाले से है। आपने फरमाया, किसी भी मामले में मखिल मत हुआ करो। आने वाले को दुआ देते हैं, दुआ लेकर रुखसत हुआ करो। जिन्नो इंस जो मुझसे मुंसलिक हैं, मेरे मुआवन भी हैं और इश्री के कार भी, मैं इनके लिए मगफरत की दुआ करता हूँ। मासवा में कभी मुखल नहीं होता। आप यहाँ दुआ के लिए तशरीफ लाए हैं, अल्लाह का जिक्र करें और दुरूद शरीफ पढ़ें और अपनी अपनी दुआ मांगें और कबूलियत पर ईमान लाएं। आखिर में हमेशा की तरह यह अर्ज करता हूँ कि ये इजलास दारुल हिकमत दारुल शिफा की जनरल बॉडी की हैसियत रखता है और इस हैसियत में आपको इस शशमाई आई कैंप की कुल कार्रवाई की तस्दीक करना होती है। अगर किसी साहब के पास कोई तजवीज़ है तो कर पेश कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शशपाही आई कैंप की इस मुकम्मल कार्रवाई की मेजॉरिटी वोट से तौसीक हो गई। शुक्रिया। अब अपनी अपनी दुआ मांगें।